वेलकम टू स्लीपी क्लासेज एंड एम बैक अगेन विद अनादर बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑन फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू स्टेट पी एस सीज एग्जाम एंड एज वेल एज यू पी एस सी का मेन्स का एग्जाम राइट right? तो आज हम ये जो प्लान डिस्कस करने वाले हैं ये बिल डिस्कस करने वाले हैं जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ये ना केवल अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी है बट जनरली अगर कोई लॉ का एग्जाम भी देना चाहते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा इसके अलावा आपको एज अ जनरल पब्लिक जो है उसको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो अमेंडमेंट बिल है ये फर्स्ट अगस्त को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है ना तो अभी पास नहीं हुआ है ठीक है तो अभी इंट्रोडक्शन चल रही है अभी इस पर डिस्कशन होगी देन दूसरे हाउस को ये पास किया जाएगा राज्यसभा को इवेंचुअली इसके अंदर चेंजेस होंगे हो सकता है कमिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट रहे यहाँ पे है ना तो पार्लियामेंट्री कमिटीज की बट अभी के हिसाब से मैं ये बिल का जो ड्राफ्ट है वो ये चीज़ कह रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे अब फाइनल बिल क्या पास होगा अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट बट अभी के बेसिस पे हो सकता है ना कि बिल को पास होने में थोड़ा टाइम लग जाए कुछ विवाद खड़ा हो जाए कुछ भी हो सकता है तो अभी जो बेसिक ड्राफ्ट हमारे पास आया है वो क्या कहता है क्योंकि वो एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो अभी हमारे पास क्या है हमारा जो एक्ट है दो का उसका क्या नाम है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. तो so, जो ये बिल है उसे अमेंड करने की बात कर रहा है उसमें कुछ चेंजेस लेके आने की बात कर रहा है तो अभी हमारा जो एक्ट है 2005 का उसके बेसिस पे तीन लेवल्स पे हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को बनाया गया है प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे उन्हें क्या किया गया है बनाया गया है ठीक है ओवरऑल तो कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया है अनदर वर्ड फॉर दैट दैट इज नेशनल लेवल पे देन स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ये जो बिल है उसके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर प्रपोज कर रहा है अब आगे देखते हैं तो यही जो तीन लेवल पे हमारे पास इस्टेब्लिश अथॉरिटीज़ है विद रिस्पेक्ट टू तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये कुछ कुछ चीज़ें या कुछ कुछ फंक्शन जो है वो करती हैं उन फंक्शन में भी कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पर लेके आने की बात की जा रही है सबसे पहले बात करते हैं मेजर जो चेंज आने की बात हो रही है दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स का काम है वो नेशनल और स्टेट लेवल पर होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर कुछ काम नहीं है तो एक्ट के अकॉर्डिंगली टू थाउजेंड फाइव के अभी तक वो काम कैसे चलता था कि जो एन डी ए में है ठीक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो सर्टन गाइडलाइंस देती थी ठीक है उन गाइडलाइंस के बेसिस पे जो हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन गाइडलाइंस के बेसिस पे क्या बनाती थी सर्टेन रूल्स बनाती थी या सर्टेन एक्शन या प्लान ऑफ एक्शन जिसको आप बोलते हैं वो बनाती थी एंड वो वापस चला जाता था एनडीएमए के पास या स्टेट जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके पास अप्रूवल के लिए बट अब ये जो बिल है वो ये प्रस्तुत कर रहा है ये कह रहा है कि ये चेंज लेकर आइए कि जो कमिटीज़ हैं ना इनका रोल ही हम ये वाला हटा देते हैं एंड ये जो हमारे पास जो टू टेयर प्रोसेस चल रहा था कि एन में गाइडलाइंस भेजेगा उसके बेसिस पे गाइडलाइंस बनाए गाइडलाइंस बनाकर भेजने के बाद एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार होगा उसके बाद वापस से अप्रूवल आएगी एन की या स्टेट डी uh, की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्टेट लेवल इस प्लान को ये सारे जो स्टेप है जो डिले करता था हमारी किसी भी प्लान ऑफ एक्शन को इसको हटाई देते हैं ठीक है तो अब डायरेक्टली जो गाइडलाइंस एनडीए में लॉन्च करता है उसके बेसिस पे एनडीए में एंड हमारा एस टी एस डी एम ए दैट इज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों ही प्लान ऑफ एक्शन खुद से बनाएंगी पहला चेंज ये लेकर आया गया ठीक है तो अब ये अब ये बिल प्रस्तुत कर रहा है ये चीज़ है ना कि अब जो हमारे पास ये कमिटीज का रोल था इनको खत्म करते हैं मेजरली ठीक है दैट इज द बिल इन स्टेट प्रोवाइड की एनडीएमएसडीएमए विल प्रिपेयर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान देम ठीक है तो एक स्टेप जो है हमारा प्लान ऑफ एक्शन के लिए वो कम हो जाता है एंड क्विक रिस्पॉन्स हो सकता है ठीक है ये बिल प्रपोज कर रहा है दूसरी चीज़ फंक्शंस ऑफ एनडीएमए एंड एसडीएमए ठीक है फंक्शंस जो अभी तक रखे गए हैं या होते थे आ, हमारे एनडीएमए के और एस के वो कौन से कौन से थे अभी एक्ट के तहत 2005 हज़ार वाले कि वो रिव्यू करेंगे किसी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान को जो सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि ठीक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपका जो डिपार्टमेंट है ये सही है नहीं है क्या क्या चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं है वो सारी चीज़ें एन डी एम करती हैं अभी भी हमारे पास जो डेली वाला इंसिडेंट हुआ था राइट विद रिस्पेक्ट टू सर्टन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो इस बेसिस पे अब गवर्नमेंट ऑफिसेज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी एनडीएमए डी अपना जो है सर्टन गाइडलाइंस या चेकिंग करती थी रिव्यू करती थी उस प्रोसेस को सारा दूसरा सेटिंग गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर अथॉरिटीज बिलो दम ठीक है कि कोई भी अथॉरिटी एनडीएमए एसडीएमए जैसे मैंने कहा ना गाइडलाइंस जो है वो एनडीएमए देता है उसको एसडीएमए को भी फॉलो करना पड़ता है एंड जो कमिटीज होती थी वो उसके बेसिस पे प्लान ऑफ एक्शन बनाती थी ठीक है ये ऑलरेडी काम अब एन एनडीएमए एसडीएमए ठीक है एक्ट के तहत तीसरी चीज के रेकमेंड करें प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर डिज़ास्टर मिटिगेशन कि अब कोई डिजास्टर हो गया है तो वो जो अब डिज़ास्टर को मिटिगेट करने के लिए मिटिगेट यानी कि उसके लिए कॉम्पनसेट करने के लिए फ़ंड्स कहाँ से अरेंज होंगे वो प्रोसेस अभी तक एन डी एस में फॉलो करते हैं ये तीन इनके फंक्शन हुआ करते थे बट ये जो अब बिल इंट्रोड्यूस किया गया है 2004 के अमेंडमेंट 2024 के अमेंडमेंट के लिए सॉरी वो कुछ सर्टन फंक्शंस जो है उनको और ऐड कर देता है इसके लिए ठीक है कौन से कौन से फंक्शन गए हैं सबसे पहले कि प्रियोडिक स्टॉक ऑफ डिजास्टर रिस्क आप असेस करेंगे ठीक है कि कौन सी कौन सी जगहें हैं वहां पे कौन सा कौन सा डिजास्टर है या रिस्क ऑफ डिजास्टर है आप उसे जाकर अब असेस करेंगे अब मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल आपको देती हूं कि दिल्ली में अर्थकूक आया था लास्ट ईयर की बात है है ना तो उसके लिए एक शॉर्ट भी बनाया था मैंने तो उसके अंदर हमने एक चीज आपको बताई थी कि फॉल्ट लाइन्स के ऊपर या फॉर्टलाइंस के आसपास आप देख सकते हैं दिल्ली सिचुएटेड है है ना तो अब क्या डिज़ास्टर उसके अंदर दिल्ली के केस में अगर कुछ ऐसा ही को अर्थक्वेक दोबारा आ जाता है तो डिज़ास्टर कौन से लेवल का हो सकता है ठीक है ये सारी चीज़ें जो हैं आप पहले से ही आप प्री असेस करके रखेंगे ठीक है यानी कि इंक्लूड करके क्या इमर्जिंग रिस्क फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स एज वेल है ना अब जैसे हम देखते हैं कि चमोली में बादल फटते हैं रेगुलरली उत्तराखंड में राइट right? तो ऐसी सारी चीजें जितनी भी हैं आप उसको पहले से ही प्री असेस करके रखेंगे ये काम भी अब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पहले से ही करके रखेगी प्रो एक्टिवनेस की यहाँ पे बात की जा रही है दूसरी कि टेक्निकल असिस्टेंस देंगे अथॉरिटीज को बिलो दैम कि आप जो काम है वो खुद से तो करवा रहे हैं बट अपनी अंडर जितनी भी अथॉरिटीज आपको दी गई हैं तो उनको आप टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे कि किस तरीके से या प्लान या गाइडलाइंस ले आउट करके देंगे कि किस तरीके से हमें डिजास्टर को मैनेज करना है या प्री असेस करना है तीसरी चीज कि गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ के कुछ एक बेसिक एसओपी होती है ना ठीक है इसका बेस्ट एग्जांपल मैं एक देती हूँ कि, कि कई बार किसी को हार्ट की थोड़ी बहुत भी ट्रबल हो जाती है ठीक है तो वो डॉक्टर के पास पास एक प्रॉपर गाइडलाइन है प्रोटोकॉल रहता है कि प्रोटोनिन टेस्ट जो है उनको करना ही करना है ठीक है तो इसी तरीके से एक बेसिक सेट ऑफ गाइडलाइंस यहां पर तैयार करके दी जाए देन प्रिपेयरिंग नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर डेटा बेसिस रिस्पेक्टिवली कि जो जो आप असेस करते जा रहे हैं उसका डेटा बेस भी आप रखेंगे ये फंक्शन में एड कर दिया गया और फंक्शन में क्या क्या एडिशन की गई हैं कि डाटा बेसिस का काम क्या रहेगा कि ऑलरेडी आप बाइफरकेट या क्लासिफाई कर सके कि किस लेवल का डिज़ास्टर कहाँ पे हो सकता है उसको फर्दर कैटेगराइज़ करेंगे क्लास वन है टू है थ्री है या फोर है जैसे कि हम स्पेसिफाई करते हैं कि अर्थ को एक बेल्ट जो है कौन से लेवल की है वन टू थ्री फो फाइव के बेसिस पे उसी तरीके से हम डिज़ास्टर्स को भी अब क्लासीफाई करना शुरू करेंगे देन अब एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड एक्सपेंडिचर कि जो भी आप असेसमेंट करेंगे उसकी फंड एलोकेशन कहाँ से होगी या इनके इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी अगर आपको करनी पड़े तो मिटिगेशन के लिए आप कहाँ से जो एक्सपेंडिचर जो है उसका लेकर आएंगे कहाँ से मिटिगेट करने के लिए फ़ंड असेस करेंगे ये सारी चीज़ें देन डिज़ास्टर प्रिपेरडनेस एंड मिटिगेशन प्लान्स पहले से ही बना के रखे जाएंगे क्यों क्योंकि अगर आप एक सिचुएशन को ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि आपके घर के सामने वाला जो घर है उसकी नींव कमज़ोर है घर टेढ़ा होना शुरू हो गया आप असेस कर चुके हैं सिचुएशन को ठीक है तो आप अपने आप को एज्यूम करके चलिए कि आप एस का ही पार्ट है तो आप उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए क्या करेंगे ठीक है अगर साथ वाले आसपास वाले घर में कहीं पे भी जाकर वो घर जो टेढ़ा हुआ है कहीं पे भी जाकर अगर गिरता है इवैक्यूएशन प्लान है उसको भी आप कंसिडर करेंगे आसपास में जो जान माल का नुकसान होता है उसको कैसे मिटिगेट करेंगे ये सारी चीज़ें आप पहले से ही प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर कर रखेंगे ये बिल यहाँ पर बोल रहा है कि ये फंक्शन ऑलरेडी एनडीए में डी एम को हम सौंप रहे हैं जी कि आपको ये काम करना ही करना है उसके अलावा एनडीएमए का पर्टिकुलरली फंक्शंस और कौन से कौन से इंक्रीज हुए हैं कि

जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहता है वो SDMA हाँ पे आप बेस्ट एक क्लासिफिकेशन और ऐड कर सकते हैं हाँ पे, कि कोई डिजास्टर किसी स्टेट में For example, चमोली का उनका प्लान ऑफ एक्शन रहा कितनी जल्दी मिटिगेशन प्रोवाइड की गई ठीक है क्या क्या वहां पे अब किस तरीके से काम किया गया कितनी जल्दी किया गया ये सारी चीजें जो अब एनडीए में पर्टिकुलरली देखेगा एक रिपोर्ट उसके ऊपर तैयार की जाएगी एंड ये बिल क्या कहता है एम्पावर करता है एनडीएमए को कि वो रेगुलेशन खुद से बना सके अंडर द एक्ट एंड विद द प्रायर परमिशन या अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पहले एनडीएमए खुद से गाइडलाइंस बनाकर देता था एज पर द एक्ट बट अब ये जितनी भी रेगुलेशन हैं वो प्री अप्रूव्ड होंगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक चीज और एड कर दी गई इस बिल के अंदर ठीक है यानी कि एनडीएमए को भी चेक रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर एग्जिस्ट करती है ठीक है तो अब इसके बाद अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ तो ये पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज़ के साथ डील करता है जहां पर हमारे पास क्या है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एग्जिस्ट करती है तो वहां पर क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा ऐसा कोई प्रावधान एक्ट में अभी तक नहीं था तो ये बिल का एक फ्रेश प्रावधान यहाँ पे प्रस्तुत किया गया इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज़ कि बिल जो है अब ये एम्पावर करेगा कि जो जितनी भी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हर एक स्टेट के लिए वहां पे जहां पर म्यूनिसपल कॉरपोरेशन एग्जिस्ट करती है तो अब इसका अब क्या प्लान रहेगा कौन चेयरपर्सन होगा कौन वाइस चेयरपर्सन होगा वो भी यहाँ पे इसी एक्ट के अंदर सॉरी इसी बिल के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि अर्बन अथॉरिटी जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर जो उसके चेयरपर्सन होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो वाइस चेयरपर्सन होंगे एंड बहुत जितने भी बाकी मेम्बर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट आपको टाइम टू तो टाइम बताती रहेगी ठीक है इसके अलावा अब इसका काम क्या होगा अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कि वो प्रिपेयर करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अंडर द एरिया जो उसके अंडर आता है ठीक है तो अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं म्युनिसिपल लेवल की यहाँ पर बात की जा रही है देन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स फोर्स के पहले हमारे पास क्या होती थी एनसीआरएफ भी बोलते थे ना ठीक है तो अब यहाँ पर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को भी इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है कि स्टेट की अपनी रिस्पॉन्स फोर्स वेन इट कम्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट भी कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए एक्ट के अकॉर्डिंगली नेशनल डिजास्टर हमारे पास रिस्पॉन्स फोर्स थी जैसे एनडीआरएफ में आपको बता रही हूँ वही एग्जिस्ट करती थी बट अब ये बिल ने एक प्रावधान और प्रस्तुत किया है इंट्रोड्यूस किया है कि स्टेट लेवल पे भी हमारे पास एक फोर्स एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि अब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जाएगी ठीक है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफाइन करेगी इसके फंक्शन क्या क्या होंगे एंड टर्म्स ऑफ सर्विस भी स्टेट के ऊपर ही छोड़ दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यहाँ पर डिसाइड करेगी इसके अलावा स्टैटरी स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग कमिटीज़ एग्जिस्टिंग कमिटीज़ में हमारे पास दो कमिटीज आती हैं एच और एन सी एम सी दैट इज़ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी एन सी एम सी और हाई लेवल कमेटी तो एन सी एम सी का काम बेसिकली क्या था कि एन सी एम सी एक तरह से इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है ठीक है कि एन सी एम सी की अप्रूवल के बगैर यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में नेशनल लेवल पर भी काम जो है एक देखिए अब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है है ना सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा क्या काम कर रही है पे पर का भी पार्ट भी तो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट बट साथ ही साथ अगर हम देखिए वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है तो ये एग्जीक्यूटिव पोर्शन जो है उसके ऊपर क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो सारा का सारा पेपर वर्क करेगी ठीक है तो इसी बेसिस पे एनसीएमसी जो है उसको अब एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो एक चेक रखेगा पूरा हमारा किसके ऊपर कि हमारा जो आ, काम ढही से सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है एट द नेशनल लेवल एंड एक और बॉडी हमारे पास जो हाई लेवल कमेटी है वो क्या काम कर रही है बेसिकली पैसों का जैसे हम बोलते हैं ना लेम एंड लैंग्वेज के पैसों का जुगाड़ जो है वो एच से ही होकर आता है हाई लेवल कमेटी से ही होकर आता है तो इन दोनों को अब स्टैट्यूटरी यहाँ पर स्टेटस दी जाने की बात की जा रही है एग्जिस्टिंग कमिटीज़ की ठीक है जो एन है फंक्शन करेगी एज अ नोडल बॉडी ठीक है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह अब एनसीएमसी ही काम करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरव्यू करेगी वो एनसीएमसी के थ्रू ही होगा फॉर डीलिंग विद मेजर डिजास्टर्स विद सीरियस और नेशनल रैमिफिकेशन जहां पे मेजर डिजास्टर हो जाता है कोई बड़ा इंपैक्ट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे हूँ तो, जैसे चर्नोबिल डिजास्टर हुआ ना मेजर उसके लिए एनसीएमसी का काम आ जाएगा एच जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूरिंग दीज डिजास्टर्स ठीक है अब क्योंकि अब क्यों है ऐसी बात एच चेल्सी की बात जो है सिर्फ और सिर्फ गर स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस देने की बात की जा रही है ड्यूरिंग सच डिजास्टर्स जो नेशनल रामिफिकेशन के बेसिस पे या स्टेट के लेवल के बेसिस पे बहुत बड़े हैं ठीक है जैसे भोपाल गैस ट्रेजडी हो गई इन दैट केस अगर हमारे पास ये एक्ट एग्जिस्ट करता ठीक है तो यहाँ पर एच के थ्रू जो है वो परमिशन जाती कि जी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को ये चीज़ें हमें हेल्प करनी है कि यहाँ से फंडिंग जाएगी मिटिगेशन इस प्रोसेस से होगी तो सेंटर ही हेल्प करेगा ना स्टेट की इन दैट प्रोसेस तो इस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है देन अप्रूवल जो आएगी फाइनेंशियल असिस्टेंस की वो अब हमारे पास कहाँ से आएगी एनडीएमएफ ठीक है तो एनडीएमएफ जो है ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग एक फंड है दैट इज नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड तो वहां पे अगर आपको उस फंड को अप्रोच करना है तो एच की परमिशन आपको दी जाएगी इन दैट केस ऑल्सो या अगर हमारे पास जो फंड है ऑलरेडी बने हुए फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट वहां से मिटिगेशन का प्रोसेस चलता रहेगा देन जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो चेयरपर्सन होंगे एन के इसके अलावा मिनिस्टर जो हैं डिपार्टमेंट के वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेंगे किसके ऊपर एच के ऊपर एंड वो सर्व करेंगे एज अ चेयरपर्सन ऑफ एच ठीक है एन जो हैं वो चेयरपर्सन उसके चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे मिनिस्टर जो होंगे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वो अब चेयरपर्सन ऑफ एच होंगे ठीक है अब ये हमारे पास डिपार्टमेंट में आज अगर हम मिनिस्ट्री देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आता है होम अफेयर्स में नेशनल जो हमारे पास जो डिजास्टर्स वाला पोर्शन आता है किसको वो मिनिस्ट्री मिलती है कौन चेयरपर्सन बनता है अकॉर्डिंगली ये चीज़ डिसाइड की जाएगी देन अपॉइंटमेंट्स टू एन ठीक है एक्ट ने ऑलरेडी क्या चीज़ इस्टेब्लिश की गई की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एन को ऑफिसर्स के साथ प्रोवाइड करेंगे कंसल्टेंट्स या एम्प्लॉयज के साथ एज इट इज़ जो कि फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसिडर्ड नेसेसरी होगा जो कि अभी स्टेट्स के केसेस में रख दिया गया है वेर एज अब जो बिल है वो क्या एम्पावर कर रही है कि एन डी एम ए खुद से ये चीज़ स्पेसिफाई करे कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने नंबर ऑफ़ uh, जो हमें स्पेसिफिक लोग विथ सर्टन स्पेशलाइजेशन चाहिए ये वो स्पेसिफिकेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी उसी के बेसिस पर यहाँ पे क्या होगी अपॉइंटमेंट्स होंगी ठीक है एंड एनडीए में जो है वो एक्स्ट्रा एक्सपर्ट्स को या कंसल्टेंट्स को भी अपॉइंट कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम इवन इफ नेसेसरी ठीक है एंड जो अब प्रीवियस अप्रूवल यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड रहेगी ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट के लिए बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये ओनर फॉर अपॉइंटमेंट्स या ऑफिसर्स जितने भी चाहिए थे वो हटकर अब किसके पास एनडीएमए के पास आ जाता है वेर एज एट द स्टेट लेवल जो कि नई टास्क फोर्स यहाँ पर बनाए जाने की बात की जा रही है ठीक है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को फ्री हैंड दे दिया गया है जैसे पहले अभी एक्ट के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग एक्ट के अकॉर्डिंग एनडीएमए के पास यहाँ पर था वही सेम चीज़ अब एस डी एफ ए को एस डी एम ए को दे दिया गया है सिमिलर तरीके से ठीक है इसके अलावा अगर आप बी पी एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो थर्टीथ सेप्टेम्बर को आपका प्रीलिम्स है राइट एंड वी हैव ब्रॉटन फॉर यू हैवी डिस्काउंटेड प्राइसेस ठीक है एक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है 25% डिस्काउंट पे आपको ये सारा का सारा बैच जो है प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे आप रैपिडली कवर कर सकते हैं ना केवल प्री का सिलेबस मेंस का सिलेबस भी एज सुन शुरू हो जाएगा मोस्ट द कंटेंट इज एंड क्या आपका मोस्टली प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी हो जाएगी ऑटोमेटिकली ठीक है तो आप यहाँ को टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाएंगे बिहार स्पेसिफिक भी एंड जनरल स्टडीज के भी ऑल ओवर ठीक है यहां पर आपको सी के लेक्चर्स भी दिए जाएंगे प्री के लिए जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे बिहार स्पेसिफिक आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑनवर्ड्स एंड बिहार स्पेसिफिक आपको करंट अफेयर भी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑनवर्ड जनवरी के दे दिए गए हैं ऑटोमेटिकली प्रम्स के और मेन्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन मेन इट कम्स टू जनरल स्टडीज़ आपको दिए जाएंगे एंड पी वाई क्यूज़ यहाँ पर आ, आपको दे दिए गए हैं आपको पी डी एफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन केस अगर आप बैच में एनरोल होते हैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा पहले ये प्राइस 999 हुआ करता था बट अब ये हैवी डिस्काउंट मैं आपको बता रही हूँ ऑफ 25 परसेंट ऑफ के साथ आपको ये प्राइस अब 7500 या 7499 आप कह सकते हैं उसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आपको बैच में एनरोल होना है यू कैन कॉल आर्ट एटीन हंड्रेड एट नाइन जीरो थ्री ज़ीरो फोर थ्री एंड साथ में अगर आपको मेल ड्रॉप करना है कॉल नहीं करना है तो स्लीपी डॉट क्लास डॉट जी मेल डॉट कॉम पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा नेक्स्ट वीक अगर कोई ऐसा कोई अमेंडमेंट बिल या कुछ भी ऐसा होता है उसके साथ डिस्कशन करेंगे या कुछ नई चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम सेंटर की ही एग्जिस्ट करती है अंडटिल देन थैंक यू सो मच बाय बाय